मदनपुर से है, जहां आज दिनांक 4 अप्रैल 2021 को कुदरत ने इस कदर कहर ढाया कि 12 मई को बेटी के हाथ पीले होने थे। राजकुमार ने दहेज का सामान संजोकर रख लिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि शनिवार की देर रात उसके लिए काली रात बनकर आएगी और बेटी के ब्याह से पहले ही उसके और आस पड़ोस के घरों में तबाही मचा जाएगी। जहां उसके दो भाइयों का घर जल उठा, वहीं पड़ोस के तीन घर और भी आग की चपेट में आ गए। बताते चले कि पूरा मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के धनावा गांव का है, जहां शनिवार रात 11:30 से 12 बजे के आसपास धनावा गांव निवासी राजकुमार के घर में आग लगी और देखते ही देखते आग की लपटों ने राजेंद्र, धर्मेंद्र, भुलई, रामू और सुरेश कुमार, संजय सुपुत्र स्वर्गीय बृसंती के घरों को भी जलाकर राख बना डाला। आग की लपटों के बीच से सभी व्यक्ति तो भाग कर निकल लिए, जिससे सभी की जान बच गई, लेकिन राजकुमार की 5, संजय के 7 मवेशी जलकर राख हो गए, जबकि 2 मवेशी गंभीर रूप से घायल गए तो 3 बकरी लापता। तो वहीं स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है कि गांव निवासी हाफिज मुफीद खान ने फायर स्टेशन के डायल 101 पर कई बार कॉल किया, लेकिन फोन नहीं लगा। फिर लोगों ने थाना अध्यक्ष कुड़वार अरविंद पांडे को दूरभाष पर भीषण आग लगने की घटना के बारे में सूचित किया। सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उसने ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। उधर गृहस्थी जल जाने से सभी के घर पर रोना पीटना मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने भी ये बताया कि राजकुमार की पुत्री की शादी आने वाली 12 मई को होनी थी, शादी का सामान जल कर राख हो गया। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। बोलो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। नाम दुर्गा देवी, पति भोला चौहान, उम्र 32 वर्ष, रंग सांवला, कद 5 फीट, पता रघुनाथपुर पोस्ट जमालपुर ठंड जिला मिर्जापुर। दुर्गा देवी 22 मार्च 2021 की सुबह 5 बजे से घर से लापता है। इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसे भी यह महिला दिखाई दे या इनका पता चले तो सूचित करें। संपर्क करें 8172974814 पर।